अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इरशाद बलोच के पास। इरशाद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, अपने नाज़रीन को बता सकते हैं? इस वक्त मैं चिट्टा माउंटेन के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है, जी जी जी, चिट्टा माउंटेन जी जी, यहाँ पर बर्फबारी बिल्कुल ज्यादा होता है। अभी आप देखो कोटे के जो मुख्तलिफ एरिया है वहाँ पर बर्फबारी हुआ है, मगर वहाँ पर बर्फबारी इसकी निस्बत बहुत कम हुआ है। यहाँ पर बर्फबारी बिल्कुल पहले दिन पर बहुत ज्यादा हुई है। इरशाद भाई, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं इस खूबसूरत पहाड़ के साइड पे और इस खूबसूरत दामन में? लोगों के लिए, कराची वालों के लिए, कोयटा वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, इस वक्त जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझे ऐसा खुशी महसूस हो रहा है। जी जी जी, यानी इंटरटेनमेंट की तरफ हम लोग निकले हैं, दोस्तों की तरफ गए हैं, बाकी दोस्त है, कोई चाय बना रहे हैं, जी बिल्कुल, टिक्का बना रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल यहाँ पर स्पेशली कराची महसूस कर रहा हूँ। कराची वालों के लिए क्या पैगाम है? वो इस डर की वजह से नहीं आ रहा है कि यहाँ बहुत सर्दी है। हाँ। क्या सर्दी है? नहीं नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सर्दी नहीं है, इतना ज्यादा सर्दी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो सर्दी लाजमन होता है, लाजमी विंटर सीजन है, हो रहा है, इसकी वजह से आप बिल्कुल थोड़ा इसको फील तो करोगे। जी जी, बाकी के बर्फबारी कोई कराची के कुछ दोस्त भी आए हैं। जी जी, बिल्कुल यहाँ पर कुछ आए हैं और कराची वाले बिल्कुल हमारे दोस्त है, वो ज्यादा लाइक करते हैं कोयटे को, क्योंकि मरी लोगों से दूर दूर है ना, काफी दूर है। जी जी, इससे नजदीक है। मेरे ख्याल में पहले और दूसरे दिन पर यहाँ पर कराची वाले बिल्कुल आए थे, बाकी इलाके के आए थे, जिस तरह सिंध है, सक्कर है, और कुछ लाहौर से भी आए थे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर बहुत दोस्तों ने। चिल्तंग की शान में, चिल्तंग के बारे में खूबसूरत सी शायरी हमें आप बताए बलोची में। यार मुझे कुछ शायरी याद थे मगर भूल गया। अच्छा। हाँ, मगर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जब हम लोग यहाँ पर आएंगे शायरी भी करेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एंजॉय करें, बहुत जबरदस्त मौसम है। वेल डन।